नमस्कार, मैं संजू रपरिया, संजूस किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी ड्राई फ्रूट बर्फी बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय जिनेंद्र, आज मैं बनाने वाली हूँ पर्युषण स्पेशल ड्राई फ्रूट की बर्फी। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल दूंगी। हम इसमें डाल देंगे 1 कप बादाम, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिए। बादाम को घी में थोड़ा सा भून लेंगे। बादाम हमारे भून चुके हैं, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है हमें, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस 1 मिनट तक के लिए इसे भूनना बस इसमें से। अब हम अपने बादाम को निकाल लेंगे इसमें से। अब इसी घी में हम डाल देंगे 1 कप काजू। काजू को भी हम भून लेंगे, उसी तरीके से भुनेंगे जिस तरीके से हमने बादाम भुना है ना, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस काजू में हल्का सा करारापन आ जाए फिर हम निकाल लेंगे। देखिए काजू भी हमारे भुन चुके हैं, काजू भी निकाल लेंगे हम। अब इसी घी में हम डाल देंगे अखरोट, मैंने 1/2 कप अखरोट लिया है। अखरोट भी हमारा भुन चुका है, अखरोट भी निकाल लेंगे हम। इसी घी में हम डाल देंगे 1/2 कप मैगी। जैसी मैगी हमारी चटकने लगेगी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी हो चुकी है, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज। जिस किसी को भी कमजोरी, सिर दर्द, बदन दर्द हो ना, तो ये एक बर्फी रोज़ एक खा लें तो उनका ये सिर दर्द और बदन दर्द, कमजोरी दूर हो जाएगा। ये बर्फी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ये बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही अच्छा है और पर्युषण के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए एक बार खाना खाएंगे तो पर्युषण में 10 दिन आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। पर्युषण के दिनों में आप 1 से 2 बर्फी ये मेवे वाली खा सकते हैं, इससे आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आएगी और आपके व्रत भी 10 दिन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। जिस तरह से हमने खरबूजे के बीज को भुना था ना, चटक रहे थे, इसी तरह से ये पम्पकिन सीड भी चटकते हैं, हल्के से चटकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये भी थोड़े से फूल जाएंगे भूनने के बाद। देखिए हमारे पम्पकिन सीड भून चुके हैं, अब इन्हें भी निकाल लूँगी। अब इसी घी में हम डाल देंगे 1/4 कप पिस्ता, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हमने। पिस्ता को बहुत थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। पिस्ता हमारे भून चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच घी और डाल देंगे। अब हम इसमें 2 कप मखाने डाल देंगे। मखाने को भी अच्छे से भून लेंगे। मखाने भी हमारे भून चुके हैं, मखाने को चेक कर लेते हैं। मखाना हमारा चूरा हो रहा है, देखिए भून चुका है मखाना हमारा। देखिए ये बर्फी वाली ट्रे है जिसमें हमें बर्फी जमानी है, उस ट्रे को हल्का सा घी से ग्रीस कर देंगे। देखिए हमने जो मखाने भुने थे ना, उस कटोरी से इस तरह से हम दबा के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हम बर्फी को पकने के लिए 1 कप देखिए चीनी ले लिए मैंने, 1/2 कप पानी। चीनी को हम पूरी तरीके से पहले घुलने देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दूंगी। जैसे ही चीनी घुल जाए ना, तब 1 मिनट तक और चला लीजिए। फिर उसके बाद अच्छी सी एक चिपचिपी सी आपकी चाशनी हो जाएगी, बस
ऐसी चाशनी हमें चाहिए। चीनी मेल्ट हो गई है, हल्का सा मैं देख लेती हूँ, चिपचिपी सी हो गई है। बस गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर दीजिए। एवं हमने जो मेवा भून के रखी थी ना, ये देखिए सारी मेवा हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे। अब हम अपने मखाने भी डाल देंगे, ये मखाने भुने थे हमने। देखिए ये मिक्स हो गया अच्छे से, अब हम इसे जमा देंगे। इस ट्रे में हम जमा देंगे इसे। अब कटोरी से अच्छे से लेवल कर लेंगे। देखिए हमारा पर्यूषण स्पेशल पाक हमने जमा दिया है। एक से दो घंटे के लिए हम छोड़ देंगे इसको इसी तरीके से। जब ये जम जाएगी तो मैं आपको काट के दिखाऊंगी। देखिए ड्राई फ्रूट बर्फी को जमे हमें एक घंटा हो गया है। अब ड्राई फ्रूट बर्फी को हम काट लेते हैं। ये थोड़े से निशान मैंने लगा दिए थे तो मैं इसको काट लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी ड्राई फ्रूट की बर्फी बनी है। देखिए हमारी ड्राई फ्रूट बर्फी बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ड्राई फ्रूट बर्फी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।